अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक इन अवनुमान की दुनिया। क्या हाल है जी आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यार मैंने आज सोचा कैमरा रख दिया जाए और वीडियो बना ली जाए। सो आज की वीडियो जो है, समझ तो गए होंगे मेरा थंबनेल देख के कि क्या है आज की वीडियो। आज की वीडियो है कि आप ही उम्र से आई माशाल्लाह, तो वहाँ से हमारे लिए क्या लेके आई है। सो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने पैकेट्स बनाए खजूरों के और आबे जमजम के और मतलब तबरु के पैकेट्स। उस वक्त तो हमें पता चल गया था कि भाई हमारे लिए क्या क्या आया है, बट आपको दिखाना तो बनता था मेरा कि भाई मेरे लिए क्या आया है। नशा का भी मैंने दिखा दिया था कि उसको क्या मिला है। सो मेरी बारी है कि मैंने अपना दिखाना है कि मुझे क्या मिला है। और अंशा को भी उसका पैकेट पहुंच गया है, तो अंशा का पैकेट मैं दिखा नहीं सकी। सो मेरा पैकेट देखते हैं कि मेरे पैकेट में क्या क्या है। जाहिर सी बात है, सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मेरे बच्चों के लिए भी है। एक इतनी प्यारी चीज है कि मुझे पर्सनली बहुत प्यारी लगी। उस चीज को देख के ऐसा हुआ कि यार अगर हम लोग भी वहां जाएं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम लोग का भी, हम लोगों की भी हाजिरी होगी इंशाल्लाह एक दिन। सो वो जो आप ही देख के आई है बच्चों के लिए, वो वहां पे पहनावा इतना कोई हसीन लगेगा कि मैं क्या बताऊं। सो वो अलीजे अजीका ज़ारा दोनों के, तीनों के लिए ही है। तो अभी स्टार्ट करते हैं और दिखाती हूँ आपको पहली चीज़ इस पैकेट में से। सो ये रहा पैकेट, रख लिया था मैंने अपने पास ही, तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या निकलता है। ठीक है, सो फर्स्ट चीज़ जो है ना, वो सबसे पहले तबर्रुक ही दिखाती हूँ कि ये तबर्रुक का पैकेट है मेरा और इसमें क्या क्या है ये भी बता देती हूँ। वही मैं आपको ये देख लीजिए, इसमें एक इत्र भी है। यार मैंने इत्र निकाली नहीं और इसको दो दिन हो गए, नहीं नहीं खुशबू नहीं हुई इसके अंदर, शुक्र है। और ये अलीशा वाली इत्र है और ये इतनी कोई मजेदार है, ये मैं नशा के घर पे ही चेक कर ली थी। हाय 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 हाय, बहुत मजे की इसकी फ्रेग्रेंस है। डेट फिर बिस्किट है और बहुत मजे का था, ये शुगर फ्री है। और फिर एक ये वाली चॉकलेट और एक ये वाली चॉकलेट और एक ये वाली चॉकलेट और फिर ये खजूर, तस्बी, आबे जमजम, टोपी, सब कुछ। ठीक है, अच्छा जी हरकत तो चेक करें, दो तस्बी डाल के दिए मुझे इन लोगों ने, दो दो तस्बी डाल के दे दी मुझे। पता नहीं किसने बनाया मेरा पैकेट, बारह दो तस्बियां इसमें डल गई हैं। कोई बात नहीं यार, मेरी और मिस्टर मान की दोनों की है। सो अभी इसको इसके अंदर कर देते हैं वापस। ठीक है, और आपको दिखाते हैं, ये तो अलग से ही रखती हूँ मैं, और आपको दिखाते हैं। और अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी कि ये सारी खजूर, ये सारी चीज़ें यहाँ की कुछ भी नहीं है, सारी आप ही वहीं की लेके आई कि वहाँ की चीज़ तो वहीं की होती है। सो ये वहीं की चीज़ें हैं सारी। अब हम सेकंड चीज़ देखते हैं क्या है, मैं आपको दिखाती हूँ सेकंड चीज़। अभी मैं आपको खाने की चीज़ें दिखा रही हूँ, ये देखें, एक ये आप ही लेके आई है, वेफर्स रोल्स हैं। तो ये मैंने अभी तक खोला नहीं है, इसको भी मैं खोलूँगी। ठीक है, और इसके अलावा मेरे ससुराल वालों के माशाल्लाह आप ही ने पैकेट्स बना के दिए, मतलब सबके ससुराल वालों के बना के दिए, तो मैंने दो तीन तो बांट दिए हैं, बाकी अभी मेरे पास दो तीन थोड़े से और बचे हैं, ये भी मैंने बांटे हैं। अब माशाल्लाह माशाल्लाह ये वाली चीज़ दिखाने लगी हूँ, ये बहुत 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 हसीन चीज़ है माशाल्लाह। अच्छा ही, मैंने ना जब उम्र के हम लोग पैकेट्स बनाए थे, उस दिन भी मैंने नशा की ये वाला पैकेट खोल के पूरी की पूरी बनाई थी, लेकिन मैंने वो आप लोगों को, आप लोगों के साथ शेयर नहीं की कि नहीं मैं अपनी ही शेयर करूंगी। सो आप ही ने ये पाउच बनवाए हैं, ठीक है, और इस पे ना सबके पीछे नाम लिखवाए हैं, जुनैर, अंशरा, नशरा, यशवीन, एराब, सबके नाम लिखवाए हैं। तो ये इस तरीके से बेसिकली पाउच है और इसके पीछे नाम लिखवाया गया है और ये इसके अंदर है जा नमाज। सो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, बहुत प्यारी माशाल्लाह, बहुत प्यारी जानमाज़ है, चेक करें इस तरह से पूरी, बहुत प्यारी सी, इतनी डिसेंट सी जानमाज़ है। उसकी यहाँ पूरा नाम लिखा हुआ है और ये काफी चौड़ी जानमाज़ है, मतलब दो बंदे खड़े होके पढ़ने, मेरे जैसे तो दो बंदे खड़े होके पढ़ने ऊपर तो। सो ये एक बहुत प्यारी चीज है, इन सब चीजों में ये चीज सबसे प्यारी है माशाल्लाह। और ये देखें, ये इसके अंदर ये पाउच किस तरीके से पकड़ने का है, मेरे ख्याल से ये वहीं के लोग यूज करते होंगे, उमरा वाले, और वहाँ मस्जिद नबी हरम में जाके नमाज अदा करते होंगे, तो ये आसानी होती है कि उनको ये हैंग कर लिया, मतलब उनके साथ जानवाज भी होती है उनके सामान के साथ। एक और चीज दिखाते हैं, अब आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता हम कपड़ों की तरफ। तो अब मैं दिखाती हूँ कि अलीजे हजीका और ज़ारा के लिए आप क्या लेके आइए। हाँ ये देखिए, अब मैं इसको खोल के दिखाऊंगी कि इसके अंदर है क्या। तो ये तीनों के लिए सेम है, ये एक मैंने ओपन किया है और ये माशाल्लाह इतना प्यारा, जैसे लड़कों के लिए जुब्बा होता है ना वैसे ये अबाया लेके आई, और ये ज़ारा के साइज का इतना कोई क्यूट अबाया है,
ये देख ले माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा है। मैंने सारा को इसको पहना के भी देखा था और फिक्स आया था और बहुत प्यारा लग रहा था। इस पे इस तरीके से स्टोन वर्क हुआ हुआ है पूरे। अब मेरी बारी है कि मेरे लिए और क्या आया है। भाई मेरे लिए भी आया है एक अबाया। यहाँ पे तो मैं अपना अबाया ओपन करके दिखाती हूँ कि मेरा अबाया कैसा है। और ये अबाये वो अबाये हैं जो वहाँ के पहने हुए अबाये हैं ये, और उसने जब भी उमरा किया है या ज़ियारात की हैं तो उसमें इसने ये अबाये पहने। ये अबाये हम लोगों ने खुद ही सिलेक्ट किए हैं अपने अपने, आप ही निकाला था भाई जिसको जो अबाया चाहिए वो ले लो। तो हमने अपने अपने मर्जी से अपने अपने अबाये सिलेक्ट किए। तो मेरा अबाया मस्टर्ड कलर का, मुझे बहुत पसंद आ रहा था ये वाला कलर तो मैंने तो ये अबाया लिया है। ठीक है, ये फ्रंट एंड बैक से बिल्कुल प्लेन है बट इसकी स्लीव्स पे एम्ब्रॉयडरी हुई भी अच्छी खासी। सो मुझे तो ये अबाया बहुत पसंद आया था और मैंने आप ही कहा मुझे ये वाला चाहिए। हैंडवर्क वाला स्टॉल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चीज और रह गई, आइए आपको दिखाते हैं। ये लेडीज परफ्यूम है, ये मेरे लिए आया है। सो ये वो परफ्यूम है जिसके ऊपर निशाने कहा था ओ माय गॉड, मतलब इसकी फ्रेग्रेंस इतनी कमाल की है, इतनी मतलब हार्ड है क्योंकि निशा को हार्ड फ्रेग्रेंस पसंद है तो ये हार्ड थी और बहुत ही मजे की फ्रेग्रेंस थी इसकी। तो ये मैंने अपने लिए लिया और निशा ने भी यही लिया ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे भी हार्ड परफ्यूम चाहिए था तो मैंने कहा यार मैं भी यही लूंगी, निशा ने भी यही लिया और निशा को हमने थमा दिया वो सैंडल वाला फैशन लेडी का। सो अब और हम लोगों ने अपने हस्बैंड्स के लिए सबने इन्फिनिटी लिया बिकॉज इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत हार्ड थी और बहुत मजे की थी। अभी हम जब एक दो बार यूज करेंगे तो हम लोगों को समझ में आएगा यार ये लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं, बट ये वहां के ओरिजिनल है सारे के सारे। सो व्हाट इज दिस बिहेवियर। वेल और आप लोगों को पता है हम लोगों ने जब पैकेट्स खोले आप ही के वहां पे तो एक परफ्यूम तो बेचारा क्रैक आया था। हम लोगों ने उसको टेस्ट करने के लिए ही ओपन किया तो वो पता चला कि भाई वो क्रैक हुआ हुआ है और उसकी वजह से और बॉक्सेस भी थोड़े नम हो गए थे और फिर हम लोगों ने उसको बिल्कुल जल्दी से अलग किया तो वो अच्छा हुआ कि हमने जो टेस्ट किया था उसी में क्रैक वही क्रैक आया था, बाकी सारे माशाल्लाह बिल्कुल सही आए थे। किटकैट और दी थी वो हम लोगों ने खा लिया, भाई खत्म हो गई है। यू नो जहाँ बच्चे होते हैं ना वहाँ कुछ भी चीज़ रहती नहीं है। सो ये खजूर के पैकेट्स नहीं आ इसलिए सही सलामत रहेगी, मैं नीचे वाले कमरे में रख के आ गई थी सारा सामान। सो अब ऐसा है कि इस वीडियो को यहाँ पे करते हैं एंड होप सो आपको ये सब सामान बहुत पसंद आया होगा, मुझे बहुत पसंद आया भाई। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपने करना है जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को जीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। इसी के साथ रब मान की दुनिया को दीजिए इजाजत, अपने खास दुआ में याद रखिएगा जब तक के लिए।